जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली जो बच्चे एसएससी जीडी 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि अभी आपके लिए ये खास वीडियो अच्छे से देख लेना। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एसएससी जीडी की वैकेंसी, जैसे पिछली एसएससी जीडी की वैकेंसी रही है उसमें आप सभी को पता 3 साल का समय लगा है, नई एसएससी जीडी वैकेंसी आने में 3 से 4 साल का समय लगा है। तो आज मैं आपको बता दूँ कि अगली जो वैकेंसी आएगी उसमें भी 3 से 4 साल का समय लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ऐसी तैयारी करना कि आपका नंबर 100% हो जाए। अगर आप 1% भी चूके तो यानी आपकी 4 साल पीछे हो जाओगे। जो बच्चे अभी एस एस जी डी में रह गए हैं आप देख रहे होंगे दिल्ली में, उनके कैसे आंसू बह रहे हैं, ठीक है। जंतर मंतर पे जो धरना कर रखे हैं, मतलब कितना दुख हो रहा है। किसी की लड़कियां भी उनमें साथ में हैं और वहां पर अपने घर से 10-10, 15-15 दिन तक वहां बैठे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इनसे एक चीज़ सीख लेना आप, मैं आपको अभी बता दूं कि एसएसजीडी की जो वैकेंसी होती है इसमें बिल्कुल टाइम लगता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। टाइम लगेगा क्योंकि ये इसकी प्रोसेस है, इसकी इतनी बड़ी लेवल पे ये वैकेंसी होती है, इसमें 2 से 2.5 साल का समय नॉर्मली लगता ही लगता है इस वैकेंसी में। और अगली वैकेंसी आने में आपको मैं बता दूं कम से कम 3 साल का समय लग जाएगा, 3 से 4 साल। अगर आपकी एज 20 साल से ऊपर हो रही है तो अगली वैकेंसी नहीं देख पाओगे बेटा। तो आज से अगर तुम एसएससीजीडी की तैयारी कर रहे हो तो आज से जोरों शोरों से तैयारी कर दो, नहीं तो बहुत पछताओगे और बाद में कुछ नहीं होगा। अगर पॉइंटों से नंबरों से रह गए तो बाद में कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप अभी आपको तैयार होना पड़ेगा कि अगर आपको तैयारी करनी है तो अभी जान डालनी पड़ेगी तैयारी में, ताकि आगे जाके रोना ना पड़े 3 साल बाद में, 4 साल बाद में किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़े। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है, ऐसे नहीं होगी तैयारी बेटा 3-3 महीने में 4-4 महीने में तैयारी होगी। जो लोग बोलते हैं ना कि 4 घंटे पढ़ो सबसे कम दिन में तैयारी, सबसे 2 दिन में, कुछ नहीं होता 4 घंटे पढ़ने से। एसएससी जीडी का जो पेपर होता है 4 घंटे पढ़ के कुछ नहीं होगा बेटा। तैयारी करनी है तो अच्छे से करना, नहीं तो करना नहीं, क्योंकि बहुत पछताओगे नहीं तो बाद में। फाइनल मेट में जब रहता है ना इंसान तो कितना टूट जाता है अपने अंदर से, कितना दुख होता है वो उसी को पता है। तो इसीलिए मैं पहले से आपको बोल रहा हूँ कि तैयारी करना है तो ऐसी करना कि आपका नंबर 100% हो जाए। और वो नंबर 100% तब होगा जब आप आज से ये मान के चलोगे कि मेरा 2 महीने बाद में पेपर है और ये लेके अगर तुम तैयारी करोगे तो गारंटी है मेरा आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर ये मान लिए कि अगस्त में पेपर है तो नंबर नहीं आएगा बेटा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अभी जो रो रहे हैं ना एसएससीजीडी के, वो बच्चे की 100 उनका जो मांग जो बोल रहे हैं कि मेरिट तो हर वैकेंसी की आती है, वो बोल रहे हैं कि जब सरकार ने खुद ने बोला है कि 1,09,000 वैकेंसी खाली है तो वो 1,09,000 पूरी क्यों नहीं भर रहे। अरे पूरी भर देंगे तो नए अभी जिनकी एज हो रही है उनको वो कहाँ जाएंगे, जिन्होंने पिछली बार मान लो जो वैकेंसी आई थी तब वो बंदा था 17 साल का, 17.5 साल का था, ठीक है। अगर कोई जनरल का बच्चा हो 17.5 साल का था, वो अब ये वैकेंसी हो गई है, इस वैकेंसी को आए हुए 4 साल हो गए, 3 सालों की 17.5 से 4 या 3 साल लगा लो, 4 साल लगाओगे तो वो 21.5 साल का हो गया। तो वो वैकेंसी देखेगा ही नहीं क्या, उसके लिए वैकेंसी खाली नहीं छोड़ोगे तो नई वैकेंसी कहाँ से कराएंगे, हैं। वो वैकेंसी नहीं देखेगा फिर तो, अगर ये वैकेंसी अगर पूरी वैकेंसी इसी बार उसी से भर लेंगे तो नई वैकेंसी कैसे लाएंगे फिर, और नई वैकेंसी नहीं लाएंगे तो उन बच्चों को मौका कैसे मिलेगा जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो 18 साल के हुए हैं, 17 साल के हुए हैं, जो 21 साल के हो गए पिछली वैकेंसी के समय, उनकी एज 18 साल नहीं हुई, 2-3 महीने कम रह गए, उनके लिए पहली वैकेंसी है 22 साल की एज में, तो मतलब वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे फिर, वो धरने पर उतर जाएंगे फिर। अरे इस बात को आप क्यों नहीं समझ रहे हो, ऐसा नहीं होता है। विज्ञप्ति से बढ़ाकर कभी ऐसे ली गई है फाइनल मेट में कि चलो विज्ञप्ति से बढ़ा लो 1,000 और 5,000 की सीटें और खाली है वो भी ले लो, ऐसे तो हर सेक्टर में सीटें खाली रहती है। अभी राजस्थान पुलिस की 5,000 पदों की वैकेंसी है जबकि 8,000 वैकेंसी ऑलरेडी खाली है, तो क्या मतलब वो उन्हीं को ले ले, अगले जो और बच्चे आएंगे उनको मौका नहीं मिलेगा, कैसी बात करते हो आप। और ऐसी बातें फिर आप करोगे, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे जाके अगर पछताना नहीं है, रोना नहीं है, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है तो आज से तैयारी कर ले बेटे, ठीक है। माँ बाप पढ़ा रहे हैं ना तो पढ़ ले, ठीक है। बाद में किसी को नहीं बताना कि मैंने मजदूरी करके, मैंने मेहनत करके यहाँ पर आया हूँ और मैं मेरिट में रह गया हूँ, तो मैं रो रहा हूँ मैं मेरिट में रह गया हूँ। तो आज ही तैयारी कर लो ना ताकि रोना ही ना पड़े, नंबर इतने लाओ कि रोना ही ना पड़े साला, है 90+ नंबर लेके आओ, देखे कैसे रोना पड़ जाएगा, लाओ देखे 85+ नंबर। लेकिन उसके लिए तैयारी भी नहीं करनी, एक एक बच्चा 4-4 पेपर फाइट कर चुका, 5-5 पेपर फाइट, तो फिर वो कैसे नंबर ला रहे हैं भाई, उनको एक मेरिट की लोड ही नहीं, वो ऐसे जीडी में ज्वाइन नहीं कर रहे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अदर स्टेट पुलिस में, पटवारी में, इनमें लग गए हैं, तो वो कैसे लगे, आपको किसी ने रोका था क्या, आपको भी कोई नहीं रोकेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कान खोल के सुन लो, जो तैयारी करने वाले हैं अभी से है ना जान डाल देना ताकि आगे जाके रोना ना पड़े। फिर ये ना बोलो कि हम ओवर एज हो गए, ये हो गए, वो किसने बोला था ओवर एज हो गए, तो क्यों नहीं पढ़े,
क्यों नंबर कम है, चाहे नॉर्मलाइजेशन है तो वो तो एक रूल है, उसमें बिल्कुल कम ऊपर नीचे होंगे, लेकिन अगर आप पेपर में आपका स्कोर 85 रहता, 90 रहता, तो नॉर्मलाइजेशन से कितने भी नंबर कम थोड़ा ना कर देते। लेकिन खुद पढ़ो ना, खुद करके देखो। बोल रहे हैं हम एज होगी, एज कैसे होगी, सीपीओ के लिए 25 साल एज है, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 25 साल एज है, उनमें एज नहीं है। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 25 साल है, सीआरपीएफ एसीएम के लिए 25 साल है, आरपीएफ एसआई के लिए 25 साल है, टीचर के लिए 35-40 साल है, एज है, पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करने वाले चाहिए। मेहनत करने वाले चाहिए, एज 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 ओवर एज नहीं होता है, मेहनत करने का आप में दम होना चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी आपको अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो। कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जो नए वाले बच्चे आएंगे ना और भी ज़्यादा फाइटर आएंगे ये तैयारी करके, तो ओवर एज हो गए, इसमें गलती आपकी है, ये बात मत भूलो। जो प्रोसेस है उसमें एक साल ज़्यादा लग गया तो वो तो देश में कोरोना काल रहा, उसके लिए आप एक साल की मांग कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो दोस्तों, जो एसएससी जीडी 2021 की तैयारी कर रहा, मैं आज बता दे रहा हूँ पहले ही कि ऐसी तैयारी करना कि 90 स्कोर करना तो आपका नंबर कोई नहीं रोक सकता।